हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 10 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जिन्होंने ग्लोबली जगह बनाई है टॉप 10 की लिस्ट में एंटूतु स्कोर के मामले में, यानी कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल का है और इसीलिए मोस्ट पावरफुल फोन्स रहे हैं फरवरी महीने में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहले नंबर का फोन है वो है नूबिया का रेड मैजिक 7, जिसका एंटूतु स्कोर निकल के आता है 10,46,000 के आसपास। और ये इसलिए इतना ज्यादा है दोस्तों क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 8 Zen 1 का प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर और काफी ज्यादा पावरफुल है अपने आप में ये प्रोसेसर। लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें दोस्तों जो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम वगैरह यूज किया गया है वो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि इसमें आपको दोस्तों 9 लेयर का हीट प्रोटेक्शन देखने मिलता है, जिसको हीट डिसिपेशन मटेरियल्स भी बोलते हैं। और उसके साथ ही इसमें आइस 8.0 का मैजिक कूलिंग सिस्टम यूज किया गया है। साथ ही में जो टर्बो फैन इसमें लगाया गया है वो 20,000 RPM की स्पीड से चलता है, जिसकी वजह से ये फोन जो है हीट नहीं होता है बिल्कुल भी। मतलब आप कितनी भी देर तक गेमिंग खेल लो दोस्तों, ये इतनी जल्दी हीट नहीं होने वाला है। देखो यार, प्रोसेसर कितना भी अच्छा आप डाल दो, लेकिन अगर आप बाकी चीजों का ऑप्टिमाइजेशन उसके साथ नहीं करोगे तो फिर अच्छे प्रोसेसर का कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि अगर आपने हाई स्पीड का प्रोसेसर डाल भी दिया है तो आपको उसमें हीट कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा, तभी आपका जो प्रोसेसर है अच्छा डालने का फायदा होगा। क्योंकि गेमिंग वगैरह के लिए लोग ये फोन खरीदते हैं जितना हाई प्रोसेसर होता है, और गेमिंग खेलने से दोस्तों हीट वगैरह फोन जल्दी होता है। तो जितने ज्यादा आपने हीट कंट्रोल सिस्टम लगाए हैं उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस निकल के आएगा, और यही रीजन है कि इस फोन का सबसे ज्यादा एंटूतु स्कोर है, क्योंकि इसमें जो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है वो कोई और फोन में नहीं है दोस्तों। अगला जो फोन है वो है IQ9, जिसका एंटूतु स्कोर है 10,17,735 के आसपास, और इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 जन 1 का ही प्रोसेसर यूज किया गया है। लेकिन साथ ही में इसमें जो हीट डिसिपेशन प्लेट लगाई गई है, जिसको वेपर चैम्बर्स भी बोलते हैं, वो काफी ज्यादा बड़ी है। अगर मैं मेजरमेंट वाइज बात करूं तो कुछ 4,000 square millimeter के आसपास उसका साइज है दोस्तों, तो काफी ज्यादा बड़ी है। और ये इसी वजह से जो स्मार्टफोन का टेम्परेचर है उसको कूल रखने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। और साथ ही में इसमें दोस्तों कुछ स्प्लिट फ्लो पावर पंप्स का भी यूज किया गया है, जो हीट को कंट्रोल करते हैं और स्मार्टफोन का टेम्परेचर हाई नहीं होता इसकी वजह से। और इसी वजह से इसमें जो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह वो काफी ज्यादा बेटर निकल के आता है। तीसरे नंबर पे जो फोन है वो है IQ9 Pro। देखो, IQ9 और IQ9 Pro में ज्यादा फर्क नहीं है। इसका जो एंटूतु स्कोर है वो 10,17,400 के आसपास है, और ये मिनिमल सा डिफरेंस इसलिए दोस्तों क्योंकि IQ9 में जो बैटरी है वो थोड़ी सी छोटी है, जिसकी वजह से जो हीट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो होता है वो काफी बेटर हो जाता है IQ9 में एज कम्पेयर टू IQ9 Pro। अगला जो फोन है वो है Realme GT 2 Pro, जिसका एंटूतु स्कोर निकल के आता है 9,96,000 के आसपास। इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 Zen 1 का ही प्रोसेसर है, लेकिन इसके साथ ही जो हीट डिसिपेशन प्लेट यानी कि जो वेपर चैम्बर इसमें लगा है वो इंडस्ट्री का लार्जेस्ट है दोस्तों, ऐसा Realme क्लेम करता है। और मेजरमेंट वाइज की बात करूँ तो कुछ 37,000 mm² के आसपास आता है, जो कि रियल में मैंने भी अब तक कोई इससे लार्जेस्ट प्लेट अभी तक पड़ा नहीं है दोस्तों। और इसकी वजह से जो इसका हीट कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाता है, और इसी रीज़न से इसका एंटूतु स्कोर इतना ज्यादा निकल के आता है दोस्तों। अगला जो फोन है वो है OnePlus 10 Pro, जिसका एंटूतु स्कोर कुछ 9,89,000 के आसपास है। इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 Zen 1 का प्रोसेसर यूज किया गया, लेकिन साथ ही में इसमें दोस्तों 5 लेयर्स का हीट डिसिपेशन मटेरियल्स यूज किए गए हैं। जैसे नूबिया में आपको 9 लेयर्स मिलते थे, इसमें 5 लेयर्स यूज किए गए हैं, और इसमें ग्रेफीन का यूज ज्यादा किया है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था दोस्तों फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी का, आप आई बटन में जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने बताया था कि ग्रेफीन कितना ज्यादा काम आने वाला है आगे चल के। ये जो है नॉर्मली टेम्परेचर को कूल रखता है दोस्तों, और इसी की वजह से इसमें क्योंकि ग्रेफीन का काफी ज्यादा यूज किया है इसलिए ये जो है फोन को कूल रखने में मदद करता है, और इतना ज्यादा हीट आपका ये फोन नहीं होता है। छठे नंबर पे जो फोन है वो है Xiaomi का 12 Pro, जिसका एंटूतु स्कोर कुछ 9,89,000 के आसपास है। ये भी स्नैपड्रैगन 8 Zen 1 के साथ ही आता है, लेकिन इसका जो हीट डिसिपेशन सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है दोस्तों। ये फोन थोड़ा सा हीट होगा एज कम्पेयर टू अदर 5 फोन्स इन द लिस्ट, बट ये Xiaomi के फोन से काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि Xiaomi के फोन्स नॉर्मली बहुत ज्यादा हीट होते हैं, बट ये उनसे अलग है। Xiaomi ने बहुत ज्यादा वर्क किया है इस पे, और इसीलिए इसका एंटूतु स्कोर इतना ज्यादा निकल के आता है दोस्तों। बाकी 7 से 10 नंबर पे जो भी फोन है उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो एंटूतु स्कोर के साथ। एक चीज और बता दूं कि इनमें से कुछ फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन अगले 1-2 महीने में लॉन्च हो जाएंगे। तो अगर आप कोई गेमिंग फोन लेने की सोच रहे हो तो आप इनमें से कोई भी फोन दोस्तों देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सत्यमेव जयते।